हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BSOS 185 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सजेशन क्वेश्चन, जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसलिए इन सभी सवालों को आप जरूर से जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। यदि इन सभी सवालों को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि आज BSOS 185, जिसका नाम है दृश्य के माध्यम से समाज, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला सवाल आपका रहेगा, नृवंश विज्ञान से आप क्या समझते हैं और किस प्रकार के दृश्यों का नृवंश विज्ञान कहा जा सकता है। देखिए, ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में पूछा जा चुका है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि असाइनमेंट के क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस से ही पूछा जाता है, तो उससे भी काफ़ी आपको हेल्प मिल जाती है कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। ओके, तो असाइनमेंट के क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, उसको भी कम्प्लीट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, नृवंश विज्ञान फिल्म के प्रथम निर्माताओं पर टिप्पणी लिखिए। यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी असाइनमेंट में पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृवंश विज्ञान में फिल्मों और फोटोग्राफी के विकास के बारे में बताएं, इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, दृश्य अनुसंधान में विषयपरकता की भूमिका पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य नृविज्ञान पर टिप्पणी लिखें। ये सभी के सभी सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, नृवंश विज्ञान फिल्म निर्माण का इतिहास बताएँ, फिल्म निर्माण की नैतिकता पर टिप्पणी लिखें। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फोटोग्राफी और आधुनिकता के बीच संबंध को परीक्षण कीजिए। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये असाइनमेंट में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, स्वयं एवं समाज के बीच संबंध बताएं, इसके बारे में देख लीजिएगा स्वयं। और इसमें इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि स्वयं के बारे में टिप्पणी लिखें, यानी कि खुद के बारे में लिखने कहा जा सकता है, या समाज के बारे में अलग अलग से भी लिखने के लिए कहा जा सकता है। या जैसे ये असाइनमेंट में पूछा गया है कि स्वयं एवं समाज के बीच संबंध बताएं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, कैमरा और अनुसंधान में इसकी भूमिका का वर्णन करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, फोटोग्राफी की चुनौतियों और सीमाएं बताइए। या तो आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि फोटोग्राफी की जो चुनौतियाँ क्या क्या है उसके बारे में लिखने के लिए कहा जा सकता है। ओके, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, नृवंश विज्ञान विषयक फिल्म का प्रारंभिक विकास पर लेख लिखें। यह नृवंश विज्ञान विषयक फिल्म का प्रारंभिक शुरुआती दौर पर किस तरह से उसका विकास हुआ उसके बारे में कहा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 21वीं शताब्दी में दृश्य नृवंश विज्ञान का विकास पर लेख लिखें। ये 21वीं शताब्दी में जो दृश्य नृवंश विज्ञान जो है उसके विकास पर टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल्म और वीडियो में क्या अंतर है, फिल्म जो होती है और वीडियो में क्या अंतर होती है, इसके बारे में देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाजशास्त्र और नृविज्ञान में दृश्य में समाजशास्त्र की रुचि बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, समाजशास्त्रीय शोध में छवियों का उपयोग के बारे में बताएँ। नेक्स्ट, मल्टीमीडिया और हाइपरमीडिया के बीच अंतर स्पष्ट करें। देखिए, इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जैसे इसके बीच में अंतर बताया जाएगा, या तो आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि मल्टीमीडिया और हाइपरमीडिया के उपयोग को बताएं, या तो मल्टीमीडिया का उपयोग के बताएं, यानी एक एक करके भी पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन नंबर 17, तो इसको जरूर देख लीजिएगा, अंतर और उपयोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंकड़ों की प्रस्तुति बहुत संचार साधन और अति संचार साधन के उपयोग के बारे में चर्चा कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, संप्रेषण सिनेमा पर टिप्पणी करें, ये भी ऐसा मैंने पूछा गया है। प्रतिवर्तिता पर टिप्पणी करें, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है गाइस, ये टोटल 20 क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप करना क्या, इस सब्जेक्ट है ना, ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 उसको कवर कर लीजिएगा, आपका सारे के सारे क्लासेस कवर हो जाएगी। 1 और 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक 1 और 2। ओके, तो उसको देख लीजिएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। जैसे कि 20 सवाल क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सभी कंप्लीट कर लीजिए। ओके, चलिए, तो और जो भी इस चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, ताकि नेक्स्ट सेशन जैसे भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो भी दिक्कत आए, या तो अपना नेक्स्ट सेशन का नेक्स्ट सब्जेक्ट का इस तरह से क्वेश्चन चाहिए, तो कमेंट कीजिए अपना सब्जेक्ट कोड और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।